मोदी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये बोला था भाई सरकार जिताओ हमारी, वोट दो, 6,000 रुपए महिला के खाते में डालेगा हूँ, अभी 1 रुपया नहीं आ लिया हमारे खाते में, बताओ आपके खाते में आया, पूछो। कांग्रेस के तो वही बात, आप पक्ष के तो वही बात, कोई रोटी मुंह में कर निकला था, वोट लेने पीछे हट जाते हैं पीछे, बस यही भाई है, मतलब दोनों लोग वोट लेके पीछे हट जाते हैं, अपना आप स्वार्थ करने लगता है लोग का, कोई भी काम सोचते कि गरीब गुरबा का करके दे देता, गरीब गुरबा का काम वो देने वाला नहीं है, लोग खाली वोट ले और चलते रहो। कोई चप्पल लगाती है बुढ़िया जो अम्मा से आपने बात करी है? हाँ। चप्पल की दुकान लगा रखी है, इसका बिका तो रात को दो रोटी खा लेगी, नहीं बिका तो नहीं खाएगी, वो भूखी सोएगी, या तो मांग के खा लेगी किसी पड़ोसी से, या तो नहीं खाएगी। अभी हमें घर चाहिए, दुकान दी तूफान में है ना, कुछ भी सामान उड़ जाता हमारा। और क्या चाहिए? घर चाहिए। घर चाहिए, केवल घर चाहिए, सरकार से और कोई मांग नहीं है। जय भीम, आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टाइम्स। अभी हमें हरियाणा के जिला रोहतक में, हमारे साथ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, और हम यहाँ चुनाव की स्थिति जानने के लिए आए हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी जय भीम, ये चुनाव चल रहा है यहाँ, क्या नौजवान सोच रहा है? नौजवान ये सोच रहा है गरीब आदमी को नौकरी मिल जाए घर से, वो गरीब आदमी का सारा लगे, जो चीज महंगाई हो रही है उस चीज को सस्ता करे, जो 70 रुपए की बोतल तेल रुपए की भाई, 150 रुपए की बोतल हो रही है वो क्या करे हम, इसका गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को सोचने की कुछ कमाने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार है नहीं आदमी के पास, गरीब आदमी के पास तो कहाँ से कमाएगा, वो बच्चे का है या तो पढ़ा लो या खा लो, सही बात है गलत बात है? ये सही बात है, फिर या तो बच्चों को पढ़ा लो या खा लो या जोड़ लो, दुख सुख में कौन साथ देगा? मेडिकल जाते हैं, मेडिकल में जाके पैसे मांगते हैं, कार्ड मांगते हैं, दवाई कहाँ से? मेडिकल में फ्री इलाज होता जरूर है, ठीक है, पर दवाई मोल लेके आनी पड़ती है, सरकारी कहते हैं 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे तुम्हारे, उसका फ्री इलाज कुछ नहीं होता, कहाँ से होगा इलाज? गरीबों का बोर्ड जरूर लेता सरकार, और उनकी बात में कोई नहीं सुनता, टाइम दे देता कल आना परसों आना महीने बाद आना, कोई नहीं सुनता उसके बारे में। ये देखो मोदी सरकार ने कहा था भाई 5 लाख का इंश्योरेंस बनवा लो, ठीक है फ्री इलाज होएगा, उसका कोई सहारा नहीं है, यानी मेडिकल में जाके 5 रुपए कार्ड जरूर बनता है, वही 5 रुपए दे के बनता है, फ्री में नहीं बनता, भाई दवाई एक्स्ट्रा डॉक्टर लिख देते हैं, दवाई लेके आओ, गरीब आदमी कहाँ से करवाएगा इलाज, या तो कमा लो या खा लो। और मोदी जी तो कहते हैं कि हमने गरीबों की आय दुगनी कर दी, कहाँ से कर दी? मोदी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये बोला था भाई सरकार जिताओ हमारी, वोट दो, 6,000 रुपए महिला के खाते में डालेगा हूँ, अभी 1 रुपया नहीं आ लिया हमारे खाते में, बताओ आपके खाते में आया, पूछो। क्यों माँ, आपके खाते में पैसे आए? नहीं जी, हम लोग को खाते में कहाँ से पैसा आया। तो जब आप चूल्हे जलाने जाती हो तो आपको ये नहीं लगता कि सरकार को और भी विकास करना चाहिए, क्या सोचती हैं आप? क्या हम सोचते, ये नहीं सोचते हैं कि चलो मोदी हम लोग को फ्री पैसा देगा तब बैठ के खाएंगे, गरीब आदमी है, सबको करके खाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं, कौन सरकारी नौकरी हम लोग बेचा भाता करके खाएगा। अच्छा सरकार किसकी बना रही हैं आप लोग? कांग्रेस के तो वही बात, आप पक्ष के तो वही बात, कोई रोटी मुंह में कर निकला था, वोट लेने पीछे हट जाता है पीछे, बस यही भाई है, मतलब दोनों लोग वोट लेके पीछे हट जाते हैं, अपना आप स्वार्थ करने लगता है लोग काम, कोई भी काम सोचते कि गरीब गुरबा का करके दे देता, गरीब गुरबा का काम वो देने वाला नहीं है, लोग खाली वोट ले और चलते रहो। कोई चप्पल लगाती है बुढ़िया जो अम्मा से आपने बात करी है? हाँ। चप्पल की दुकान लगा रखी है, इसका बिका तो रात को दो रोटी खा लेगी, नहीं बिका तो नहीं खाएगी, वो भूखी सोएगी, या तो मांग के खा लेगी किसी पड़ोसी से, या तो नहीं खाएगी। ये आपसे कहना, हम तो सरकार से ही, सरकार से ही है हमारा भी कहना भाई, सरकार गरीब आदमी को नौकरी दो, कुछ भी दो, चाहे 5,000 की दो, सरकारी नौकरी दो। हरियाणा में स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल, उस पे आप लोग कुछ सोचते हैं? सरकारी स्कूल सिर्फ हरियाणा के अंदर, हमारे रोहतक के अंदर सिर्फ 2 स्कूल है, एक भिवानी चुंगी पे, एक अपना गुरुद्वारे के सामने प्रताप चौक में, और कोई स्कूल नहीं है। प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाएंगे, 2,000 रुपए फीस है बच्चे की, किताबें लेने चाहो 10,000 रुपए की, बंदा कमाता 15,000 रुपए महीने का, या 10,000 रुपए लगा लो आप, तो उसमें बच्चे पढ़ाएंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, क्या करे बताओ। यहाँ जिस एरिया में हम हैं, कैमरामैन से कहेंगे एक बार यहाँ सड़कों को भी दिखाएं, इन सड़कों की स्थिति इस हाल में है कि विकास नाम की कोई चीज नहीं है, 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी ने यहाँ कार्य किया है, और सड़कों की स्थिति ये है, यहाँ दलितों के मोहल्ले में हम खड़े हैं, स्थिति ये है कि ये छप्पर लगा के रहने पे मजबूर है। अभी हमें घर चाहिए, दुकान दी तूफान में है ना, कुछ भी सामान उड़ जाता हमारा। और क्या चाहिए? घर चाहिए। घर चाहिए, केवल घर चाहिए, सरकार से और कोई मांग नहीं है। अभी कहाँ रहते हैं? अभी यहाँ पे झुग्गी में रहते हैं जी। झुग्गी में क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ती हैं? हमें है ना आंधी में जो आते हैं ना, तो सब आसमान उड़ जाता है, फिर ठंड में रहते हैं।
फिर वापस बनाना पड़ता होगा जब तूफान में उड़ जाता है तो। फिर वापिस जो बारिश आएगी ना तो सारे कपड़े उपड़े भी जाते हैं इसमें। हाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते? स्कूल तो अभी जा रहा हूँ मैं। अभी जा रहे हो? कौन सी क्लास में? फोर्थ में। कैसी होती है वहाँ पे? सही पढ़ाई? सही होती है? हाँ। तो सरकार से प्राइवेट में जाते हो? हाँ। सरकारी स्कूल नहीं है? फीस कहाँ से देते? मम्मी देती है कमाई के। मम्मी क्या करती है? बेचते हैं। तब बेचते हैं? सौ दो सौ एक दिन का होता है। तो घर में खर्चा चल जाता है आपका? कभी कभी होता है बस। कभी कभी होता है? हाँ जी। बड़ी मांग यही है कि घर दिया जाए। हाँ जी। जय भीम। अभी हम हैं हरियाणा के रोहतक में और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और ये दलितों का एरिया कहा जाता है, इसको पुराना बस अड्डा कहते हैं। स्थितियाँ ये है कि विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और दलितों की स्थिति आपको हम दिखाएंगे कि ये है कि बेचारे खाने के लाले पड़े हुए हैं उनके और चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। अभी मैंने कई दलितों से बात की, वो कह रहे हैं कि गरीबी का आलम यह है कि वो दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। और जैसा कि एक बच्चे से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि खाने के लाले हैं, सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि इनको पक्के मकान सरकार द्वारा दिए जाएं।